हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। बहुत सारी अफवाहें सीबीएसई के अपडेट को लेके हो रही हैं कि क्या एग्जाम होंगे क्या एग्जाम नहीं होंगे। कई सारी यूट्यूब चैनल में आज तो देख रहा था कि यार कुछ भी बोल डाला है उन्होंने। कम से कम उन्हें इतना तो फर्क पड़ना चाहिए कि कैसी सिचुएशन है हमारी कंट्री की और हम क्या दे रहे हैं। बच्चे पैनिक हो जाएंगे यार, कम से कम कुछ तो समझो, उनके फ्यूचर का सवाल है। चलो ठीक है, उन सब चीजों को छोड़ो, जो जो भी डाउट्स हैं मैं उन सबको क्लियर कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, 100% कन्फर्म्ड है, प्रूफ भी दूंगा। चलो, सबसे पहली बात थी कि कॉपी चेकिंग को लेके, कि क्या कॉपी चेकिंग इजी होगी कि हार्ड होगी। तो ये मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं, कॉपी चेकिंग आपकी लिनियर मार्किंग होती है क्लास टेंथ में। क्लास टेंथ में अगर आप कुछ भी लिख के आए हो और अगर आपका कंटेंट सही है तो मैक्सिमम मार्क्स देने की सीबीएसई कोशिश करती है, क्योंकि उनके मार्किंग स्कीम में ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है पहले से ही। दूसरी चीज है कि रिजल्ट रिलीज डेट, कई लोगों ने तो बोल दिया कि मई लास्ट में रिजल्ट निकल रहा है सीबीएसई का। हाउ इज इट पॉसिबल यार, अभी आप इतना समझ लो कि आपको कुछ दिनों में 90 दिन का लॉकडाउन का इंफॉर्मेशन आने वाला है। 90 दिन का, हाँ अभी 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, 90 दिन का लॉकडाउन आने वाला है। तो इन बीच में अगर आपसे कोई भी कहे कि रिजल्ट इस दिन आएगा, तो बिल्कुल गलत है ये। सीबीएसई ने कहीं ना अपने ट्विटर हैंडल पर ना ही अपने वेबसाइट पर कहीं भी ऐसी अपडेट नहीं दी है कि हम अपनी रिजल्ट अपडेट करने वाले हैं। वो भी रिजल्ट किस चीज का देगा, वो क्लास ट्वेल्थ की भी अभी कुछ कैंसल्ड एग्जाम्स हैं जो अभी करवानी है उसे, क्लास टेंथ की भी काफी एग्जाम्स, एक दो एग्जाम्स बचे हुए हैं, अभी कंप्यूटर साइंस का ही बचा हुआ है। तो हाउ इज इट पॉसिबल। आपको मैं एक बात बता दूं कि सीबीएसई केवल टेंथ और ट्वेल्थ के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी और किसी भी क्लास के एग्जाम से उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस स्कूल वाले सीबीएसई के करिकुलम को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात हाँ कि रिजल्ट रिलीज डेट को लेके था, तो रिजल्ट रिलीज डेट अभी क्लियर नहीं किया है सीबीएसई ने। हालांकि अभी जब वो अपने ये सिचुएशंस नॉर्मल होने के बाद, जब वो अपने डेट निकालेगी एग्जाम्स के, उसके बाद ही वो अपनी रिजल्ट डेट रिलीज करेगी। कैंसल्ड एग्जाम्स, हाँ कई लोगों ने कहा था कि क्या सर कैंसल्ड एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं आपको पहले भी बता दूं, कैंसल्ड एग्जाम्स का शेड्यूल सीबीएसई ने निकाला हुआ था, लेकिन बीच में इतने ऐसे सिचुएशंस बन गए कि जिसको उसको पोस्टपोन करना पड़ा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि 31 तक जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी प्रेस नोट्स सीबीएसई ने निकाले हैं सबके बारे में मैंने बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम कैंसिल जो हुआ था वो फिर से होगा, बिना एग्जाम दिए सीबीएसई आपको प्रमोट नहीं करने वाली है। 10th 12th वाले कान खोल के सुन लो। ठीक है, अभी बात थी कि 1 to 8 क्या ऐसे ही बिना एग्जाम दिए पास हो जाएंगे, 1 to 8 और फिर 11th वाली। तो यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जब 1 to 8 और 11th ये टोटली स्कूल के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, और जब तक कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि हाँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट कर दिए जाए अगले नेक्स्ट क्लास में, लेकिन सीबीएसई ने अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है जिससे ये पता चलता हो कि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करने वाली है। ठीक है, तो ऐसे मिथ्स पे ध्यान ना दीजिए। हाँ, न्यू सेशन के बारे में बात हो रही थी कि न्यू सेशन जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, तो भाई आपको बता दूं नॉर्मल कंडीशंस नहीं है। आज तक हमने, जब से मैं हुआ हूं, जब से मैं कॉन्शियस माइंड से सब कुछ देख रहा हूं ना, तब से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि ऐसी कोई कंडीशंस आई हो। तो जब तक कोई भी सीबीएसई वेबसाइट से, ऑफिशियल से, उनके ट्विटर हैंडल से जब तक कोई अपडेट नहीं आता है, तब तक प्लीज और प्लीज किसी भी मिथ्स पर ध्यान ना दीजिए। आपको बता दूं, एक बात तो सही है कि हाँ समर वैकेशन हमारे कैंसिल हो रहे हैं, हमारी जो समर वैकेशन है वो नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने दिनों का हमारा इफेक्ट हो चुका है नया सेशन ना, कि अब समर वैकेशन देना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हमारे आने वाले सेशन पे इम्पैक्ट करेगा ये, तो समर वैकेशन नहीं होने वाला है। बाकी यही सब कुछ था, कॉपी चेकिंग को लेके था और रिजल्ट डेट को लेके था, कैंसल्ड एग्जाम को लेके था। लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, क्या सर हम प्रमोट हो जाएंगे क्या नेक्स्ट क्लास में। भाई प्रमोट नहीं होने वाले हो, 1 to 8 और 11th की बात अलग है, 10th और 12th वाले तुम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होने वाले हो। जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे तब तक आप प्रमोट नहीं हो सकते, भाई बोर्ड का एग्जाम है, मजाक नहीं है। ठीक है, तो होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और क्लियर हो गए होंगे।
पढ़ती रहो यार, हम जल्द ही 11th की भी सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।